अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्या बादा वअला आलिहि वसहाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रुकु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शराहलि सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। हाज़िरीन ए मजलिस, मर्द ख़वातीन, बच्चों का, बुज़ुर्गों का, दुआत का और ख़वातीन में मौजूद मेरी माँ और बहनों का, मैं आप सबका इस्लामी तरीके से इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। थोड़ी आवाज़ ज़रा दम से आ जाए तो इंशाल्लाह, माशाल्लाह। तो ऐसा लगेगा कि सब जने जागे हुए हैं, ऐसा थक गए तो नहीं ना अभी और बहुत सारे स्पीचर्स से सब जने जागे हुए हैं। चलिए माशाल्लाह। तो वैसे तो 600 सेकेंड दिए गए हैं, 10 मिनट इंशाल्लाह, तो जल्द से जल्द इसमें ख़त्म करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। आज की मेरी तकरीर का उन्वान है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए। आज ये जो प्रोग्राम सेट किया गया है आइटका की तरफ से, ऑल इंडिया दावा सेंटर्स एसोसिएशन, इसका मकसद ही यही है कि कई सारे दावा सेंटर्स को जमा किया जाए, उनमें इत्तेहाद कायम किया जाए इंशाल्लाह। तो इसी मनहज और इसी उन्वान पर मेरा आज का टॉपिक मौजूद है माशाल्लाह। देखिए, अल्लाह सुभान व तआला ने सूरह आले इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 110, इसमें अल्लाह सुभान व तआला ने कहा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास, कि हमने मुसलमानों को एक खैर वाली उम्मत बनाकर भेजा। कौन सी उम्मत? खैर वाली उम्मत बनाकर भेजा, ताकि तुम क्या करो, लोगों को बुराई से रोको और अच्छाई की तरफ बुलाओ। उम्मत का लफ्ज यहां पर अल्लाह सुभान व तआला ने इस्तेमाल किया है। मगर अफसोस, अफसोस क्या है? अफसोस की बात यह है कि इस उम्मत में इत्तेहाद खत्म हो चुका है, इस उम्मत में इख्तलाफात बढ़ चुके हैं। जब इख्तलाफात बढ़ जाते हैं, जब इख्तलाफात बढ़ जाते हैं, तो क्या हम लोगों को, दूसरे गैर मुसलमानों को, किस तरीके से हम उस हक की दावत की तरफ बुलाएंगे जब हमारे अंदर ही फूट है? अल्लाह ने कहा खैर वाली उम्मत हो, फूट वाली उम्मत नहीं। जब हम ही टूटे हुए हैं, हम ही बटे हुए हैं, तो किस तरीके से हम अल्लाह सुभान व तआला की दावत की तरफ लोगों को बुलाएंगे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले जिस एरिया में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुभान व तआला ने भेजा, वो कौन सा एरिया था? वहां पर के लोग कैसे थे? एकदम जाहिल किस्म के लोग, जिनको कुछ इल्म नहीं, अपने बच्चियों को जिंदा दफन कर देना और लड़ना, झगड़ना, फितना, फसाद करना, उसको अपना बड़ापन मानते थे। वहां पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर क्या किया? इत्तेहाद कायम किया। कैसी कौम है, कैसी कौम थी वो? अगर एक की बकरी या कोई चीज दूसरे के कबीले में चले जाती तो क्या होता? नस्लों तक, कई सारे कई नस्लों तक वो खून और कत्लगारी में लग जाते थे। मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह पर आए, ऐसी कौम में आए और उस कौम को क्या किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? बिल्कुल पलट दिया। बिल्कुल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें एकसानियत ला ली। एक वाकया उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे कहते हैं हम जोश में आ जाते हैं, है कि नहीं? वो शख्सियत ही ऐसी है। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कौन? इस्लाम कबूल करने से पहले कौन थे वो? इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मनों में उनका नाम शुमार होता था, है कि नहीं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कत्ल करने के इरादे से आ गए थे, है कि नहीं? हम सब जानते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? क्या ऐसा कहा कि जाओ उस उमर को पकड़ो और कत्ल कर दो? कहा ऐसा नहीं। क्या अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह इन दोनों में से किसी एक को मेरी तरफ कर दे? तो अल्लाह सुभान व तआला ने क्या किया? उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को इस्लाम में दाखिल किया। और आज हम देखते हैं कि उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की कितनी बड़ी शख्सियत है इस्लाम के अंदर।
अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते अरे इसने तो मेरे खिलाफ साजिश रची थी, इसको तो मैं मार दूंगा, ऐसे नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करने आए थे? इत्तेहाद कायम करने आए थे। हो सका तो कहते थे उसको मार दो, कहा कि उसको अपने करीब ला लो। अल्लाह सुबहान तआला ने सूरह अनफाल की आयत नंबर 46 में कहा कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके रसूल पर ईमान लाओ और इत्तेहाद कायम करो। अल्लाह, रसूल और उसके बाद तीसरी चीज कौन सी आती है? इत्तेहाद कायम करने की चीज आती है। अल्लाह सुबहान तआला ने सूरह अनफाल की आयत नंबर 73 में अल्लाह सुबहान तआला ने कहा कि कुफार जो लोग हैं वो इत्तेहाद कायम करते हैं और वो कामयाब होते हैं। मिसाल, आज दुनिया में यहूदी कितने हैं? 133 लाख यहूदी है आज दुनिया में, और मुसलमान कितने हैं? 2000 लाख, माने 200 करोड़, 2 बिलियन। मगर आज दुनिया को कौन चला रहे हैं? 133 खाली, हम 2000 हैं और वो 133 है। क्यों? उनके अंदर इत्तेहाद है, उनके अंदर इत्तेहाद कायम किया जाता है। वही रास्ते पर कौन चलते हैं? ईसाई चलते हैं। और देखिए, वो आपस में अपने अपने इख्तलाफात करते होंगे, मगर जब वो बाहर निकलते हैं दुनिया को अपना चेहरा दिखाने के लिए, तो इत्तेहाद के साथ काम करते हैं। आज जो इत्तेहाद की बात अल्लाह के नबी ने बताई है, कुरान ने बताई है, वो गैर अमल कर रहा है और कामयाब हो रहा है। हमारे पास वो रिटन टेक्स्ट में मौजूद है, कुरान मजीद और अल्लाह सुबहान तआला की किताब और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, और हम कामयाब नहीं है, तो कितनी अफसोस की बात है आपके लिए और मेरे लिए। गैर अमल कर रहा है और कामयाब होता जा रहा है। अल्लाह सुबहान तआला ने सूरह आले इमरान सूरह 3 की आयत नंबर 103 में कहा وَأَتَسِيمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تم فرقوں میں نہ بڑھ جاؤ۔ ہمارا حالت کیسا ہے معلوم آج؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو کرنے کے لیے کہا ہے نا ہم وہ نہیں کرتے، اور جس سے روکا ہے نا وہی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا تم جوئے سے دور ہو جاؤ، تم شراب سے دور ہو جاؤ، تم فحش کام سے دور ہو جاؤ، تو ہم اسی کی طرف مائل ہو کر بھاگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نماز قائم کرو، تم اللہ کے حقوق قائم کرو، تم نبی کے حقوق قائم کرو، تو ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ آج ہمارا مزاج ہے، تو ایسا مزاج دیکھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے کامیاب کرے گا؟ جو کہتے ہیں کرنے کے لیے اس کے برخلاف آج ہمارا عمل ہو چکا ہے اور ہم ٹکڑوں میں بٹ چکے ہیں۔ ہم اتحاد کس طریقے سے قائم ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسان فارمولا بتایا ہے سورہ آل عمران، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 137 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم صحابہ کے راستے پر چلو، اگر تم ان کے راستے پر چلو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور اگر تم ان کے راستے پر چلو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کہ تم کامیاب ہے، اگر تم ان کے راستے پر نہیں چلتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کہ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹکڑوں میں بانٹ کر پھینک دے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ بانٹ کر پھینکے گا اگر تم نبی اور صحابہ کے راستے پر نہیں چلتے ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے حالات ہو چکے ہیں، بہرحال تفصیل میں نہیں جا سکتے۔ ہمارا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کتنا عمل کر رہے ہیں، کتنا عمل نہیں کر رہے ہیں۔ عمل کرنے کی بنیاد پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اتحاد انشاءاللہ دے گا امت کے اندر۔ ایک علامہ اقبال کا شعر ہے، اس کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اور علامہ اقبال نے کہا منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ اس قوم کا فائدہ ایک ہی چیز میں ہے اور نقصان بھی ایک میں ہے۔ ایک سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک۔ ایک سب کا نبی، دین اور ایمان بھی ایک، ہر میں پاک بھی، قرآن بھی، اللہ بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی، ہوتے سب مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں تو کہیں پر ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اس پر ہمیں غور فکر کرنا ہے انشاءاللہ، اور ہمارے سب ڈفرینسز کو ہمیں دور کرنا ہے، اتحاد قائم کرنا ہے۔ اسی اتحاد کی بنیاد پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قوم کو فلا دے سکتا ہے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔